इसलिए बिकॉज आधे लीटर दूध एक कप में नहीं हो सकता। समर सीजन आ चुका है, आपको शायद आवाज आ रहा होगा, वो बग्स जो रहते हैं ना उनका आवाज मुझे सुनाई दे रहा अभी, जैसे वो एनिमे और डोरेमोन में प्ले होता था, वो समर के टाइम वो बग्स ऐसे आवाज करते हैं। इस पर लिखा है पैशन नेवर फेल्स और पीछे लिखा है पैशन ओवर परफेक्शन। शायद ये कोट मेरे लिए था बिकॉज देखो इस बुक को ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं और अभी इसके सिर्फ 2 पेजेस बाकी हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं, उसके बाद मेरे डाइट चेंजेस, फिर ट्रेनिंग चेंजेस और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने लिखा है जो भी मैंने रिसर्च किया है। सो रियली इज अ गुड थिंग टू नोट डाउन एवरीथिंग, पैशन नेवर फेल्स, बट हमें फिलहाल एक नई डायरी की ज़रूरत है। सो वी विल गेट दैट। पता नहीं क्यों जिस दिन भी मैं वीडियो शूट करता हूँ उस दिन मुझे पालघर आना पड़ता है। सो आज मैं पालघर आया हूँ बिकॉज मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है एंड मुझे थोड़ा सा काम भी था वैसे, बट अभी हम करेंगे रीडिंग, लाइक एक बुक है जो मैं रीड कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम वॉकिंग के लिए जाएंगे फॉर 20-30 मिनट्स। दिन के डेली स्टेप्स कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी मैं वॉकिंग करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि मैं 10 मिनट में अराउंड 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकता हूँ। ये सो कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज कि मैं वीकली ब्लॉगिंग करूँगा, लाइक वीकली 1 या 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर क्वान्टिटी ऑफ दिस वीडियो, मुझे आपको क्वालिटी कॉन्टेंट देना है। सो ऑब्वियसली सेकेंड पॉइंट इज कि मेरा गोल क्या है इस जर्नी का। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस मूवी क्रीड एंड द लीड एक्टर इज माइकल बी जॉर्डन ऑफ कोर्स। सो ये मेरा गोल जो था टू अचीव माइकल बी जॉर्डन्स फिजिक, ये मैंने 2023 के जनवरी मंथ में सेट किया था और तब मेरा वेट था अराउंड 78, बट आई थिंक मैंने अच्छा खासा वेट लॉस किया, अराउंड 68 kg में आया। आई डिडंट अचीव द बॉडी आई वॉन्टेड बट आई एम श्योर आई डिड समथिंग, बट उसके बाद मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाया, सो मेंटेन किया मेरा वेट एंटिल नाउ आई एम द सेम वेट एज देन। अभी वो टाइम है कि मुझे वो गोल अच्छी तरह से अचीव करना है बिकॉज मैंने इस जर्नी में काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं एंड आई डोंट थिंक देर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टॉप मी राइट नाउ, सो दिस टाइम आई विल डू दिस फॉर श्योर। एंड मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, लाइक इट्स अ स्टडी, जैसे कि मेडिकल स्टडी में ह्यूमन बॉडी का जो स्टडी होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, सेम गोज़ फॉर बॉडी बिल्डिंग, जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए कम होगा। सो ये 2 मेन पॉइंट थे जो मुझे कवर करने थे एंड इसके बाद हम करेंगे हमारा लंच एंड आज तो रेस्ट डे है वैसे भी, पर स्टिल मुझे डेली स्टेप्स कंप्लीट करने हैं एंड शायद साइकिलिंग या जॉगिंग हम करेंगे। फाइनली आई एम होम। अनफॉर्चुनेटली जॉगिंग नहीं कर पाया बिकॉज आज जो मेरा अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास वहाँ पर काफ़ी समय लगा, लाइक मैं 5 बजे गया, जो भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी करते हैं वो अराउंड 7:45 तक चला, मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था अंदर, पता नहीं, बट थैंक गॉड इट्स डन, इट वॉज़ अ फाइनल सर्जरी। अब इसके बाद भी है आगे, बट वी विल सी दैट। या आज जॉगिंग तो नहीं कर पाया बट आज के डेली स्टेप्स तो कंप्लीट कर लूँगा
एंड वैसे भी आज रेस्ट डे था सो नो वरीज. ऑल्सो मेरे पास एक गिफ्ट है, किसी ने दिया नहीं है, एक सेल्फ गिफ्ट है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस. सी दिस, दिस इज इट. अगले वीडियो में मैं ये आपको ज़रूर दिखाऊंगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मतलब क्या बोलते हैं वो, आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है. इसके बाद डिनर करेंगे एंड वी विल गो टू स्लीप. काफ़ी थक गया हूँ. सो या ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना. दैट्स इट. बाय.